नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ आई बटन या जिसे कहते हैं आई कार्ड, यूट्यूब के वीडियो पे जब आप अपलोड करते हैं कैसे डालें। जी हाँ, आपने देखा होगा जब भी आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, तो वीडियो के अंत में एक आई बटन क्लिक आ जाता है जिसमें सजेशन रहता है कि ये अगला वीडियो कौन सा है जिसे आप देख सकते हैं। ये विन विन सिचुएशन होता है दोनों के लिए, यूट्यूबर के लिए भी जिसने अपना वीडियो डाला है बहुत सारे और वो चाहता भी है कि उसके वीडियो देखा जाए, एंड एट द सेम टाइम जो देखने वाले हैं उनको भी काफ़ी आसानी और सहूलियत होती है क्योंकि उनको वीडियो के समाप्त होते होते दूसरे वीडियो का सजेशन आ जाता है और वो उसे देख सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। अब आई बटन या आई कार्ड जिसे कहते हैं, उससे डालने के लिए बहुत लोगों को पता है कि एक ही तरीका है, वो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के इस्तेमाल से ही कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का डेस्कटॉप वर्जन जो होता है उसमें जाके ही आप ये फीचर डाल सकते हैं अपने वीडियो में। बट ऐसा है नहीं, अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, मोबाइल ही है जिससे आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये फीचर्स भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्रोम पे क्लिक करें, ये पेज खुलता है, आप यूट्यूब पे फिर क्लिक करेंगे, नॉट टॉप राइट हैंड साइड पे तीन बिंदी दिख रही है उस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट पे आ जाएं। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखेगा आपके चैनल का, ये मेरे चैनल का पेज जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करके योर चैनल पे आ जाऊंगा। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सारे वीडियो जो अपलोड मैंने किए वो दिख रहे हैं। नाउ इसमें से वो वीडियो सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे आई बटन पॉपअप चाहिए। ये वीडियो पे मैं जाके एडिट वीडियो करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जहां आपको कार्ड्स पे जाके कार्ड्स को क्लिक करना है। यस, नाउ कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिख रहा होगा। इस पेज में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो जिसको मुझे अपडेट करना है वो उसका डिटेल्स आपको दिखेगा। दोस्तों अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो चार तरीके के कार्ड्स होते हैं। वीडियो होता है जो मैं अभी डिटेल्स आपको करके दिखा रहा हूँ अपडेट करके, प्लेलिस्ट होते हैं, उसके बाद चैनल होते हैं, लिंक होते हैं। जो भी आपको कार्ड्स डालने हैं आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में डालने के लिए अब ना इस वीडियो का टाइम मैं सेट करूँगा किस टाइम पे मुझे पॉपअप चाहिए। ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, किस टाइम पे पॉपअप चाहिए और कितने देर के लिए चाहिए ये सेटिंग आप कर लें, उसके बाद आप इसको सेव कर दें। सेव करने के साथ आपका लिंक तैयार, जब आप वीडियो देखेंगे जिस टाइम पे आपने वो सेटिंग की है पॉपअप के लिए वो पॉपअप आपको दिख जाएगा। इसको देखने के लिए आप अपने YouTube ऐप पे जाएं, उस पर क्लिक करें, अपने चैनल पे जाएं जिस वीडियो को आपने अपडेट किया है आई बटन के लिए, उस पर जाके उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यू विल सी कि आपका आई बटन पॉप अप हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी यूजफुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।